चलो, यस आई नो दैट। ये सोर्स है, ये लिसनर है। तो सोर्स इज गेटिंग क्लोजर, लिसनर इज गोइंग अवे। क्या होगा? एफ डैश इज इक्वल टू एफ एफ सॉरी एफ नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पर वी होते हैं, वी माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ। तो हमें एक चीज पता चल गया, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों साइन सेम सेम होगा। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, तो एफ डेस क्या होगा? वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस, दोनों प्लस प्लस। ओके, जब दोनों सोर्स एंड लिसनर, दोनों सोर्स एंड लिसनर दे गेट्स क्लोजर टू ईच अदर, ये मुझे बता दो क्या क्या होगा? गुड, ये ऊपर में प्लस होगा, ये माइनस होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम। ओके, और यानी मैक्सिमम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। और इज ऑफ सोर्स एंड लिसनर दे गोस अवे फ्रॉम ईच अदर, इसमें रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो इसमें हो जाएगा वी माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इनटू एफ। ये सिचुएशन ही हमें याद करना है, एग्जाम में डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी कोरोना की ड्यूरेशन में तो कोरोना ने इसको और कमजोर कर दिया है, तो इसलिए इसमें और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आने का चांसेस और ज्यादा होते हैं। ओके, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, इफ स्पीड ऑफ साउंड, हो ये चैप्टर तक खुद का क्वेश्चन आया है, वेव्स तक ही, वेव्स है, कितना क्वेश्चन आता है? हाँ, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, वेव्स ऑसिलेशन मिला के, वेव्स वेव्स ऑसिलेशन मिला के तीन क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसे ही चैम से क्वेश्चन देते भी नहीं, दोनों मिला के तीन क्वेश्चन। तो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट सुनो, डॉपलर इफेक्ट से आएगा, नहीं तो बिट से आएगा, ओके, नहीं तो स्टैंडिंग वेव से आएगा, नहीं तो वेलोसिटी, नहीं तो इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव से आएगा, नहीं तो वो जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑन व्हिच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स, इसमें बहुत सारा चीज है। और नहीं तो ये डेसिबल वाला जो लाउडनेस, 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 रेजोनेंस की, रेजोनेंस तो वो तो स्टैंडिंग वेव में आ गया ना, रेजोनेंस उसके अंदर आ गया। ओके, उसको हम अभी करने वाला था, तुम लोगों ने हल्ला किया, डॉपलर इफेक्ट तो चला है मैं यहाँ पर। ओके, तो ये एग्जैक्टली पार्टिकुलर टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मेन मेन टॉपिक्स। इसमें बहुत सारा है, प्रेशर वेव है, इंटेंसिटी वगैरह, वेलोसिटी ऑफ साउंड, मीन स्ट्रिंग, लंबा वंबा करके बहुत कुछ है, लेकिन उसमें हम शॉर्टकट मारेंगे, उसको जानना जरूरी है। डिटेल्स पढ़ने जाओगे तो फास्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसका जो मेन जो फंडास है, कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर कर लो, फिर स्पीड को इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, फिलहाल इसको कर लेते हैं। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, ओके, देन विथ व्हाट स्पीड ए सोर्स शुड अप्रोच ए स्टेशनरी लिसनर, सो दैट फ्रीक्वेंसी हार्ड बिकम्स डबल द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। चलो इसको करो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइन में आ जाएगा सर। 170, वेरी गुड। एफ डैश शुड बी ट्वाइस ऑफ एफ, है ना, लेकिन एफ डैश इटसेल्फ क्या है? विथ व्हाट स्पीड ए सोर्स शुड अप्रोच ए स्टेशनरी लिसनर, लिसनर एट रेस्ट, सोर्स इज अप्रोचिंग, तो एफ डैश क्या होगा? वी
divided by v minus vs into f twice f, है ना? देर से करो लेकिन सही करना जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हैं। जितना गलती करते रहोगे उतना डीमेरिट्स ये है कि फोबिया डेवलप होगा। v इज इक्वल टू ट्वाइस v माइनस ट्वाइस vs, यानी ट्वाइस vs इज इक्वल टू v, सो vs इज इक्वल टू v बाय 2, दैट इज 170 मीटर पर सेकंड, हाफ ऑफ 340। ओके, अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, किसके लिए? लिसनर के। ओके, सॉल्व द अबव सिचुएशन फॉर ए ते sonary source and approaching listener, तो इसको सॉल्व करो फॉर ए सर 340 मीटर पर सेकंड। या डिफरेंस समझ में आया? हाँ, डबल होना है लेकिन सोर्स अप्रोच करने से क्या इफेक्ट होगा और लिसनर इफेक्ट अप्रोच करने से क्या इफेक्ट होगा? लिसनर को अगर फ्रीक्वेंसी हार्ट डबल करना है, लिसनर को डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। इफ द सोर्स इज कमिंग, सोर्स का सिंगल एफर्ट से हो जाते हैं लेकिन लिसनर का सिंगल एफर्ट से नहीं होगा। सो यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एफ डैश, नाउ हु इज कमिंग? लिसनर इज अप्रोचिंग, वी प्लस वी एल divided by v into f is equal to twice f, it is cancels, v plus vl is equal to twice v, so vl is equal to v, that is 340 meter per second. ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 47 को देखो। क्या लिखा हुआ इसमें? A man standing on a platform observes that the frequency of sound of a whistle emitted by a train drops by 140 hertz. Okay, if the velocity of sound in air is 330 meter per second, okay, drops by 140 hertz. And the speed of the train is 70 meter per second. Frequency of the whistle means you are looking for original frequency. A man standing, velocity of the listener is zero, observes that the frequency of the sound of the whistle emitted by a train drops away 140, if the velocity of the sound in the air is 330. Isko, iska batao answer kya hoga? Quickly. Original frequency chahiye. Sir, isme to matlab wo velocity of train, matlab velocity of source hoga na? F dash. हाँ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इसमें एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस 140। क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ ए व्हीसल एमिटेड बाय ट्रेन ड्रॉप्स बाय 140, तो माने इसका मतलब है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से 140 ड्रॉप होते हैं। समझ में आया? ऑफ एफ डैश क्या होगा? ड्रॉप्स यानी लिसनर है यहां पर एट रेस्ट। अब बताओ सोर्स इज गेटिंग क्लोजर और गोइंग अवे? ओके, ये गोइंग अवे है, तो इसका मतलब एफ डैश हो जाएगा वी वी एल जीरो डिवाइड बाय वी प्लस वी एस सेवेंटी। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है? 330 दिया हुआ है। 330, ये भी 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स कितना है? 70 है, 70 है। ओके, इनटू एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 140, तो ये 433 बाय 40 है ना, 33 बाय 40 एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 140, तो यहां पर 33 एफ हो जाएगा 40 एफ माइनस 40 0 0 16
16, 1, 4, 1, 0, 4, 5, 5, 6, no? So 7F will become 5, 6, 0, 0. So F kitna ho jayega? 7, 8, 56. 800 hertz. Yehi aa raha hai answers? Ne dusra kuch hai? Answer yehi hai? Hi, 800. खट्टा वट्टा कुछ है, इसको नींद आ रहा है, नींद टूट जाएगा। इस लाइन को अच्छी तरह से देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिसल एमिटेड बाय ट्रेन ड्रॉप्स, ठीक है ना, बाय 140। तो इसी से हमें बाकी सब पता चल गया। इसको स्नैपशॉट सेकेंड क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। ओके, ए साउंड सोर्स A sound source is moving towards a stationary observer with 1/10 the speed of the sound. Ratio of the apparent, ये कर लोगे, ये खुद कर लेना, ठीक है, snapshot ले लो, ये खुद कर लोगे, ये बिल्कुल आसान है। Good. Question number 49 को देखो अच्छी तरह से, ये 49 है, okay, 49. A train moves towards a stationary observer with a speed of 34. ये train का speed है. The train sounds a whistle and its frequency registered by the observer is F1. If the speed of the train reduces to 17 meter per second, the frequency registered is F2. If the speed of the sound is 340 meter per second, then the ratio of F1 by F2. Okay, a train moves towards a stationary observer. So frequency F1 will become how much? Stationary observer. V divided by V minus 34. Speed of the sound is given 340. Speed of sound is given as 340. इसमें मैं थोड़ा 340 into F. और दूसरा है F2 is equal to, ये भी 340 है, velocity of sound 340 divided by 340 minus 17. ओके, अब हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे, हमें F1 by F2 चाहिए, ये FF कैंसिल हो जाएगा, 340 कैंसिल हो जाएगा, F2 की यहाँ 340 minus 17 कितना होगा, 323, और नीचे आ जाएगा 34 करेंगे तो 306 आएगा। इसको डिवाइड करो, मेरे ख्याल से 19/18 आएगा, 19/18 आएगा। ओके, आया सर 19/18, ये अंदाज में बोला मैंने, क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकता। ओके, 19/18 आना चाहिए। अभी इसको कर लेते हैं। एन ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग विथ ए स्पीड वी टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स एमिटिंग साउंड waves of wavelength lambda naught. An observer is approaching with a speed v towards a stationary source emitting sound waves of wavelength lambda naught. The wavelength shifts detected by the observer is, isme ek baat yaad rakhna, maine wo jo diagram draw kiya tha, okay, wo jo diagram draw kiya tha, filhal diagram ko dhundna padega. ओके, देख रहे हो ये स्क्रीन, पहला स्क्रीन था। ओके, ए देख रहे हो ना स्क्रीन सब, ऑल ऑफ यू कैन सी इट। हां सर। ओके, अभी यहां पर क्या दिखाया गया था इसको देखो, ये डायग्राम को, इस पार्ट को देखो, इस डायग्राम पार्ट को देखो। लिसनर रेस में था,
सोर्स जा रहा था, इसी वजह से सोर्स का लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा गॉट रिड्यूस्ड, पीक में थी, ठीक है ना, लैम्डा गॉट रिड्यूस्ड। अच्छा सुनो, अभी अगर मैं यहां से सोर्स को दूर लेके जाऊंगा, इसी सिचुएशन में सोर्स को मैं दूर लेके जाऊंगा, तो व्हाट विल हैपन टू द वेवलेंथ, सपोज इन टाइम टी द सोर्स जाके यहां पहुंच गया, जैसे यहां सोर्स क्लोज हो गया था जिसकी वजह से ये वेवलेंथ रिड्यूस हो गया, अगर सोर्स दूर चले जाएंगे, ओके, 5 सेकंड के बाद ए को यहां पहुंचना है और 5 सेकंड के बाद बी को यहां से निकालना है, अब ए और बी के बीच में 2.5 लैम्डा होना है, तो यहां पर क्या हो गया, 2.5 लैम्डा इज ओवर ए ग्रेटर लेंथ, यहां पर 2.5 लैम्डा ओवर, ओके, इट इज द ओरिजिनल लेंथ जब दोनों रेस्ट में था, जब ये नजदीक आ गया था, तो ये रिड्यूस हो गया था, जब ये दूर चले जाएंगे लैम्डा विल चेंज। अब इस डायग्राम को याद करते हुए ये सोचो, लिसनर सोर्स अपनी जगह पर है, अपना वेवलेंथ एमिट करते हुए है, अब लिसनर इज गेटिंग क्लोजर, लिसनर की अप्रोच की वजह से ये वेवलेंथ इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, लिसनर की अप्रोच की वजह से, वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेवलेंथ में चेंजेस तब आएगा ना जब सोर्स मूव करेगा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिसनर, ओके, इसमें वेवलेंथ कोई चेंजेस होगा नहीं, ये वाला सिचुएशन होगा, ये भी तो पास आ रहा है, ये वाला सिचुएशन है, सब डिक्रीज नहीं होगा क्या, नहीं होगा, आप सोचो क्यों सर, क्यों होगा डिक्रीज, अगर मैं ये सिचुएशन ले लूं, t इज इक्वल टू 0 में कौन निकल के आया, a निकल के आया, सोर्स रेस्ट में है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में a को कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, अगर ये डिस्टेंस l है तो क्या लिसनर आगे आ जाने से ये पॉइंट ए यहाँ रुक जाएगा, लिसनर आ जाओ मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जब आ ही रहे हो हम यहाँ मिलेंगे 5 सेकंड की बाद, यहाँ रुका रहेगा ए, ए यहाँ पर वेट करेगा लिसनर के लिए, लिसनर बाबू आ जाओ हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, फूल का माला सर, यहाँ पे डिस्टेंस है, हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर सोर्स कांस्टेंट है, तो सोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब ये ए विल ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, ए इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लिसनर अगर आ गया सामने की तरफ वो ए से नहीं मिलेगा, दूसरा पॉइंट से मिलेगा आफ्टर टाइम 5 सेकंड, ये दूसरा पॉइंट को मिलेगा, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, कोई दूसरा पॉइंट से इसका मुलाकात होगा, यहाँ पर ए से मुलाकात आगे हो जाएगा, तो इसमें एक सिचुएशन ये है, इफ द हम लोग का कहा गया, ओके, एक सिचुएशन ये है कि इसमें जब ऑब्जर्वर इज मूविंग बट सोर्स स्टेशनरी है तो लैम्डा चेंज नहीं होगा, लैम्डा ओन चेंज व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी। यहां तब सर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ओके, वेलोसिटी ऑफ, ओके, जैसे इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, साउंड इज गोइंग विद ए स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, यहां से लिसनर इज कमिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, सो टू द लिसनर द स्पीड विल नॉट बी 340 बट टू द लिसनर द स्पीड विल बिकम 400 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा सेम है, स्पीड बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदल गया, बुझो नहीं उरी बाबा, बुझो नहीं तरा, यस सर, हाँ, इसमें से 340 से जा रहे हैं, ओके, लेकिन ये सोर्स है, लेकिन लिसनर इज रनिंग अवे, भागो,
40 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है उल्टा डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर कितना हो जाएगा, 340 माइनस 40 300 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर बदल जाएगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, लेकिन लैम्डा 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 विल रिमेन द सेम, लैम्डा विल रिमेन द सेम। ओके आज यहां खत्म करते हैं, ओहो बिट्स रह गया, आज यहां खत्म करते हैं, बिट्स एंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है, काफी क्वेश्चन। हाँ बोलो, वो टॉपिक पढ़ाई का नहीं है लेकिन एग्जाम कब, मतलब फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब भरेंगे, ये सब डेट कुछ आया क्या इसका, नीट का? हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं जब फारिग होऊंगा तुम्हें फॉर्म वगैरह भेज दूंगा। हाँ मैंने आपके बारे में नहीं बोला, तुम मुझे कहाँ से पता चलेगा, एग्जाम पोस्टपोन होने का चांसेस है क्या? एग्जाम पोस्टपोन होने का चांसेस फिलहाल हम लोगों के हिसाब से नहीं है बिल्कुल। ओके